तो भाई साहब अभी मैं एक पुलिया पे आया हूँ, जिस तरीके से मैं पुलिया पे जाता रहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो पुल है ये बहुत दिन से है, मतलब मैं बहुत जब छोटा था तब भी ये पुल था, उससे पहले भी है, मेरे होश में वो नहीं आ रहा है कि मैं ये जब बना था तो मैं था ही। और यहाँ पर देखिए यहाँ के भी ईंटें गायब हैं, और जब ये बना था तब भी इसका कोई यूज नहीं था और आज भी इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो होके कोई गुजरता अगर गुजरेगा यहाँ से ये थोड़ा सा बात आ जाए, मान लो अगर वहाँ से कोई आ रहा है और यहाँ जाएगा तो कैसे उतरेगा, सबसे पहले ये बताइए उतरेगा कैसे, गाड़ी कैसे जाएगी, तो इसका कोई यूज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और एक ही फायदा हो रहा है कि यहाँ के जो ईंटें हैं गायब होते जा रहे हैं, कुछ दिन में लग रहा है पुलिया ही गायब हो जाएगा, ये सभी सिर्फ छत बचेगी। यहाँ पर इस साइड के भी ईंटें देखिए कोई यूज नहीं, वहाँ से देखिए वहाँ ऊपर वहाँ से पानी आएगा ही नहीं उस तरफ से, तो पुलिया का फायदा क्या हुआ ये बताइए। और बनाने वाले की इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, बनाने वाला तो बना के चला जाएगा और जो नेता लोग रहेंगे पैसा अपने जेब में रख लेंगे, खा लेंगे या कुछ भी करेंगे उससे मतलब नहीं है, तो बनाने वाले को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बना के चला जाएगा यहाँ पर। लेकिन यूज इसका क्या है, वहाँ पर देखिए बांध बांधा गया होगा उसके नीचे देख लीजिए, और मुझे तो इसका यूज बहुत दिन से नहीं समझ में आया, ना समझ में आएगा, ना ये चलता फिरता पुलिया पास कोई समझ नहीं है कि ये क्यों बना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो ईंटे हैं वो गायब हो गए हैं, और यहाँ पर जो है कोई नहर भी नहीं है कि इसके अंदर पानी है, और इसका यूज क्या है, मतलब अगर बनाना ऐसे फर्जी ही बनाना था तो इसको बना के छोड़ देते, वैसे भी छुटा हुआ है बना के, अगर रोड बनता तब इसको बनाया जाता तो फायदा होता, दुनिया का क्या फायदा है, पुलिया बनाया गया है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के समझ में आए तो जरूर मुझे समझा दीजिएगा कमेंट करके, ऐसी ही पुलिया का हम पर्दाफाश करते नजर आएंगे, जो जो अजूबा चीजें होती हैं, और ये अजूबा चीजें हैं, थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ से पानी आने जाने का रास्ता भी नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार किसने बनाया है उसको। मैं 575,000 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरफ से पानी जाएगा ही तो इस ब्रिज का काम क्या, इस पुल का काम क्या है, ना लोग इस पे चढ़ के उस तरफ जाएंगे तो उनका पैर टूट जाएगा, तो इस पुलिया का काम क्या है, मैं सिर्फ यही पूछूंगा, हजारों बार पूछूंगा कि इस पुलिया का काम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, सिर्फ ईंटें गायब हो रहे हैं, अगर बनाने वाले ने इसका सिर्फ ईंटा गायब करने के लिए बनाया था तो मैं उसको 1 करोड़ तोपों की सलामी देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके ईंटे गायब हो रहे हैं, और ईंटे पता नहीं कौन गायब कर रहा है। मैं कई बार आपको उसे बोला हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि यहाँ का ईंटा कौन ले जा रहा है। और मैंने पढ़ाई भी की है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इस पुलिया के बारे में समझ नहीं आया कि बनाने वाले ने अगर क्या चाहता है, भाई क्या चाहता है, आप लोग बताइए ये बनाने वाला क्या चाहता है, मतलब ये किस तरह का पुलिया है। मैंने बहुत सारे पुल पे घूमा लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं देखने को मिला। अब इसको मैं अजूबा कहूँ कि क्या कहूँ, बनाने वाले ने मतलब उसको 1 करोड़ तोपों की सलामी दी जाए तो भी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं किस क्या हालत है इसकी, ना पानी उस तरफ जाएगा ना इस तरफ, सिर्फ बना के ऐसे ईंटा बर्बाद कर दिया गया है और पैसे जो है हजम कर लिए गए हैं। तो इसका कोई रीजन नहीं बनता था, कोई कारण नहीं बनता था कि ये बने, और अगर बनना चाहिए था तो जब ज़रूरत पड़ती तब बनता, इसकी क्या ज़रूरत है भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही ये पुलिया यहाँ पर क्यों है। और अगर आपको इसका रीजन पता चले, इस पुलिया का फ़ायदा पता चले, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।